नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की सुपर फास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की पीएम जनमन योजना की पहली किस्त। तलवाड़ा पंचायत समिति से वीसी के जरिए जुड़े सीएम भजनलाल, प्रदेश के 8 जिलों के लाभार्थियों से किया संवाद। 18 जनवरी को भजनलाल कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित, मुख्यमंत्री करेंगे अध्यक्षता, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। सीएम भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के किए दर्शन। तलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन, कहा वागड़ के विकास के लिए समर्पित हमारी सरकार। राजस्थान विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम, कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे ओपनिंग सत्र को संबोधित, समापन सत्र में शामिल होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भाजपा के दीवार लेखन अभियान की शुरुआत, जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया शुभारंभ, चित्र उकेर कर किया आगाज। आखिरकार परिवहन विभाग ने शुरू की कार्रवाई, गड़बड़ी करने वाले 10 फिटनेस सेंटर्स में 3 महीने के लिए निलंबित, कुछ और फिटनेस सेंटरों पर भी होगी कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ महाअभियान का आगाज, खान विभाग की टीमों में की प्रदेश भर में एक बड़ी कार्रवाई, कई वाहन और मशीन की गई जब्त। अजमेर के किशनगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश, दिन दहाड़े दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, वारदात से व्यापारियों में रोष, सीसीटीवी कैद हुई पूरी घटना। ख्वाजा करीब नवाज के 812वां उर्स राजनाथ सिंह की ओर से पेश की गई चादर, वहीं पाकिस्तान से 230 जायरीन और एम्बेसी के 2 अधिकारी पहुंचे अजमेर। आज भी मनाई गई मकर संक्रांति, दिनभर चला दान पुण्य का दौर, राजधानी जयपुर में परवान पर रही पतंगबाजी, छतों पर नजर आई जयपुराइट्स। राजसमंद के देवगढ़ में समाजसेवी ने पतंगे और मांझा निकालकर तालाब को फिर से प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल बनाया, करीब 500 पतंगे और 2500 मीटर मांझे की राघव सागर से बाहर निकाला गया है। पूर्व राजघराने के राव वीरभद्र सिंह ने तालाब को बनाया पक्षियों के लिए अनुकूल। झालावाड़ के खानपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, पखवाड़ा कार्यक्रम अभियान से लेकर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल दल बल के साथ वन क्षेत्र में पहुंचे, अवैध खनन क्षेत्र में स्थिति का लिया जायजा, अवैध खनन होने वाले नाकों पर चौकसी बढ़ाने के दिए निर्देश। राजसमंद के गांधी सेवा सदन स्कूल में सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ हुआ है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा और संयोजक महेंद्र रहे, वहीं परिवहन अधिकारी ने बच्चों को सड़क के नियम अधिनियम की जानकारी दी और साथ ही सड़क सुरक्षा की महत्वता पर प्रकाश डाला। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर कोटा के रामगंज मंडी के रोसली गौशाला पहुंचे, जहां मंत्री मदन दिलावर ने गोमाता की पूजा अर्चना की और इस दौरान बड़ी संख्या में गोभक्त मौजूद रहे। टोंक के नवापुरा गांव में छात्र अमरीश मीणा हत्याकांड के मामले में ग्रामीणों और परिजनों का प्रदर्शन जारी है, मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही जन आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि अमरीश मीणा का शव गांव के ही कुएं में लटका मिला था। राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने डीडवाना में स्वच्छ भारत स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत झाड़ू लगाकर किया श्रमदान। मंत्री ने गणेश मंदिर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़े का आगाज किया, शहर के सभी मंदिरों में नगरपालिका और प्रशासन की ओर से साफ सफाई करवाई जाएगी। अजमेर डिस्कॉम के संभाग स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ, नागौर की टीम रही विजेता जबकि सीकर रही उपविजेता। प्रतियोगिता में 16 जिलों के 600 खिलाड़ियों ने लिया भाग, पीडब्ल्यूडी मंत्री मंजू भागमार, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम मौजूद रहे। धौलपुर में डीजी कोर्ट के बाहर दो पक्षों में हुई फायरिंग, फायरिंग के बाद दोनों पक्षों मौके से हुए फरार, सूचना पर पहुंची कोतवाला थाना पुलिस, पुलिस ने घटना स्थल से खाली कारतूस और बाइक जब्त की, फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। वृंदावन धाम के संत महाराज ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दौसा में प्रेस वार्ता की, रितेश्वर महाराज ने इस अवसर को बताया ऐतिहासिक, अयोध्या में पूरा विश्व उमड़ रहा है, रामलला को लेकर कोई विवाद मायने नहीं रखता, उन्होंने कहा कि मन भिन्न हो सकते हैं लेकिन श्री राम को लेकर पूरा देश एक है। जवरामगढ़ के जमवाय माता मंदिर में एक मकर संक्रांति पर्व का पर्व पतंग की झांकी सजाई गई, महंत पंडित भगवती प्रसाद ने ये विशेष झांकी सजाई है, माता को फीनी तिल खीर और पूरी का भोग भी लगाया गया है। प्रदेश भर से दूर दराज गांवों से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, कछावा वंश राजपूतों की कुल देवी है जमवाय माता।
जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ में धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति। युवाओं ने दिनभर जमकर की पतंगबाजी, छतों पर बजाए गए डीजे। कस्बे के मोरी वाले हनुमान मंदिर, त्रिनेत्रधारी प्राचीन गणेश मंदिर और अमकेश्वर महादेव मंदिर में सजाई गई पतंग की झांकियां। विधायक महेंद्र पाल मीणा और बलाई समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमान परिवार ने मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। कठुआ के टीरपुरी गांव में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कलश यात्रा में पीत वस्त्र धारण कर सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। संत चेतनदास महाराज के सानिध्य में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 23 जनवरी को हवन के साथ भंडारे का होगा आयोजन। जयपुर में भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आदित्य वाहिनी स्थापना दिवस। धर्म संघ पीठ परिषद और आदित्य वाहिनी ने मनाया है स्थापना दिवस। सभी मंदिरों में दीपदान, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। जयपुर के चोमू में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, आगजनी से गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस की टीम। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजगढ़ में गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। वहीं पंज प्यारों और साहिब जादे की अगुवाई में बैंड बाजों के साथ में कीर्तन निकाला गया है। दिल्ली और भरतपुर की गतका अखाड़ा पार्टी ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खरा का जमवा रामगढ़ के भाजपाइयों ने किया अभिनंदन। साफ और माला पहनाकर किया मंत्री का अभिनंदन। पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह चौधरी ने मंत्री खरा से जयपुर ग्रामीण लोकसभा के विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। सांगानेर के पिंजरापुर गौशाला में मकर संक्रांति पर गो सेवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमरनाथ महाराज फकरदास महाराज और एसीपी विनोद शर्मा ने गोमाता की पूजा अर्चना की। गुड़ और चारा खिलाकर शुभारंभ किया गया। वहीं भक्तों ने गोमाता को हरा चारा खिलाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सांगानेर के पिंजरापुर गौशाला में मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। महाराज अमरनाथ महाराज फकरदास सहित कई लोगों ने पतंग उड़ाकर मनाया उत्सव। एसीपी विनोद शर्मा का किया गया सम्मान। झुंझुनू के संघाना में गुजरवास में पशुओं के चारे के ढेर में अचानक से आग लग गई। 7.5 क्विंटल चारा जलकर खाक हो चुका है। बिजली विभाग के अधिकारियों के फोन नहीं उठाने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में एनडीआरएफ टीम ने विद्यार्थियों को आपदा में बताया बचाव के तरीके। 100 स्कूलों के बच्चों को एक साथ दिया प्रशिक्षण। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर विजय के नेतृत्व में दिया गया प्रशिक्षण। झुंझुनू के स्काउट गाइड परिसर मैदान में प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। गुरुधाम के पिताधीश्वर संत ओमनाथ महाराज पहुंचे फतेहपुर शेखावाटी। प्रसिद्ध नाथ समुदाय के अमृतनाथ आश्रम में समाधियों के ढोक लगाई और लोगों ने जगह जगह पुष्पों से स्वागत किया। मोहनगढ़ के बालेता धाम बूरा बाबा मंदिर में बैठक का हुआ आयोजन। माघ महीने में होने वाले मेलों को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में मेले के आयोजन और व्यवस्थाओं को लेकर किया गया विचार विमर्श। 10 फरवरी को मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। 11 फरवरी को दिन में मेला और महाप्रसादी का आयोजन होगा। मोहनगढ़ में एक बार फिर से घना कोहरा देखने को मिला। मोहनगढ़ सहित नहरी इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म वस्त्र और अलाव का ले रहे सहारा। कोहरे की वजह से वाहन रेंगते हुआ है नजर। फलौदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे 11 पर नाकाबंदी के दौरान विदेशी शराब से भरा ट्रक किया गया जब्त। कुल 345 कार्टून के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। कार्टन कंबल और मलमल जैसी कतरन के पैकेटों के नीचे छिपाकर गुजरात ले जा रहे थे शराब। जैसलमेर के भादरिया गांव में प्रसव के दौरान ऊटनी की मौत। 5 दिन तक रो रोकर ऊटनी को जगाता रहा बच्चा। मृत ऊटनी को लगाता रहा चक्कर। सूचना पर मौके पर पहुंचाए गौशाला कर्मी। फलौदी में हेरिटेज वॉक का हुआ आयोजन। हेरिटेज वॉक में शुरुआत में 70 से अधिक बच्चों युवाओं ने लिया भाग। यह आयोजन दूसरे दशक के तत्वाधान में हुआ। हेरिटेज वॉक की शुरुआत रानीसर तालाब से हुई। बच्चों ने करीब 4 घंटे हेरिटेज वॉक किया। फलौदी के इशरू के पास चलते ट्रक का टायर फटने से लगी आग जिससे पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रक गुजरात से पंजाब जा रहा था। फलौदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ। जालूवाला ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ शिविर। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की लोगों को दी गई जानकारी। योजनाओं की जानकारी और लाभ पाकर हर्षित हुए लाभार्थी। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की लोगों को दिलाई गई शपथ।
फलौदी में सड़क सुरक्षा महीने के संयुक्त रूप से शुरुआत की गई। आमजन को 200 रोड सेफ्टी एजुकेशन किट वितरित किए गए और साथ ही सड़क पर सुरक्षित चलने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं KEC इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने 15 हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को वितरित किए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 20 वर्षीय युवक ने विषाक्त पीने से युवक की तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जालौर में भी अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश सरकार की सख्ती। अवैध खनन के खिलाफ खान राजस्व पुलिस परिवहन और वन विभाग का संयुक्त अभियान शुरू होगा। अवैध खनन को लेकर कलेक्टर निशांत जैन की पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर ने ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का 2 दिवसीय जालौर दौरा। श्री भैरू अखाड़ा पहुंचे मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। ब्रह्मलीन पूज्य पीर शांतिनाथ जी महाराज को किया गया नमन। सभी क्षेत्रवासियों के लिए कुशल मंगल कामना की गई है। पीर पूज्य गंगानाथ जी महाराज सहित साधु संतों का लिया गया आशीर्वाद। देसूरी के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में योग गुरु बाबा मांगूनाथ महाराज का जन्मदिन मनाया गया। भक्तों ने जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए और उनका जन्मदिन मनाया गया, और साथ ही महाप्रसादी और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। लोग ठंड से बचाव के लिए हीटर और अलाव का ले रहे सहारा। घने कोहरे की वजह से हादसे होने की आशंका। श्रीगंगानगर में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन और परिवहन करते 6 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया। 3 ट्रकों से 4,58,400 रुपए का जुर्माना वसूला। 3 ओवरलोड ट्रकों को खनिज विभाग ने सीज कर दिया है। सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे 62 पर पीपरेन में की गई कार्रवाई। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 12 में स्थित घर में घुसी लोमड़ी को देख मोहल्ले वासियों में मचा हड़कंप। वन विभाग को किया गया सूचित। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोमड़ी का किया रेस्क्यू। हनुमानगढ़ के जंक्शन बस स्टैंड पर मिला अधेड़ का शव। सूचना पर पहुंची जंक्शन पुलिस। मृतक की शिनाख्त हरियाणा निवासी मंजीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। प्रारंभिक रूप से अत्यधिक ठंड से मौत की संभावना है। हनुमानगढ़ में ओवरलोडिंग और अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू। खनन विभाग ने रावतसर में अवैध स्टोन से भरे एक ट्रेलर को जब्त किया। ट्रेलर पर 1,14,000 का जुर्माना लगाकर रावतसर पुलिस को सौंपा। 21 जनवरी तक जारी रहेगा अभियान। नागौर के रियाबड़ी में राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। प्रदेश के हर गांव तक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हुंकार नजर आ रही है। 5 लाख मंदिरों में आयोजित होगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के हर गांव तक निमंत्रण मिल रहा है। नागौर के रियाबड़ी में अवैध खनन परिवहन और भंडारण के खिलाफ उपकरण प्रशासन का अभियान। अभियान को लेकर कार्यवाहक SDM और तहसीलदार सज्जन राम चौधरी ने ली बैठक। बैठक में पादुकला SHO भवरलाल और SHO विनोद सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और चलिए वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की सुपर फास्ट खबरों के साथ। अजमेर के ब्यावर में मकर संक्रांति पर्व पर रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर का शुभारंभ महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। मानव सेवा संकल्प की ओर से 11वें रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। डिडवाना के अम्बेडकर भवन में रायगढ़ समाज की हुई बैठक। बैठक में सामाजिक मुद्दों पर समस्याओं पर की गई चर्चा। रायगढ़ समाज विकास समिति डिडवाना के सानिध्य में हुई बैठक। आम सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोग हुए शामिल। ब्यावर में शाहपुरा मोहल्ला में फोटो स्टूडियो पर चोरों ने बोला धावा। स्टूडियो में रखे कैमरे ड्रोन और चार्जर सहित कई सामान चुरा कर ले गए चोर। करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है चुराए गए सामान की कीमत। ब्यावर में चौंगेट पर ई श्रमिक कार्ड पंजीयन और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर शिविर का हुआ आयोजन। श्रम विभाग की ओर से किया गया आयोजन। असंगठित क्षेत्र में कामकाज करने वाले मजदूरों को पंजीयन करते हुए हाथों हाथ ई श्रम कार्ड किए गए जारी। नसीराबाद में छावनी परिषद के पंप हाउस पर लगाया गया 74 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट। रक्षा संपदा दक्षिणी कमान पुणे के निदेशक की ओर से लगाया गया सोलर पावर प्लांट। छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमावत सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। ब्यावर के गिरजाघर रोड स्थित गोविंद देव मंदिर में स्वच्छता कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवशंकर भूतड़ा के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में लगाई झाड़ू। सभी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के लोगों के साथ मंदिर में भजन कीर्तन किया और जमकर झूमे। झालावाड़ के रायपुर में आलू से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलटा। हादसे में ट्रक चालक हुआ घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को पहुंचाया रायपुर चिकित्सालय।
हनोतिया दुबलिया के मध्य घूम पर हुआ यह हादसा। बारा में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और ग्रामीण अपने शाखा स्थल पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने तिल गुड़ की मिठाई बांटते हुए मकर संक्रांति मनाई। बारा में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी का दौर चला। परिजनों के साथ बच्चे घरों की छतों पर दिखाई दिए। इस दौरान पतंगों को लूटने के लिए भी बच्चों में होड़ दिखाई दी। झालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ खानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आकपद बांध स्थल पहुंचकर राष्ट्रीय परवन बृहद सिंचाई पेयजल परियोजना का अवलोकन किया और फटकार लगाते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झालावाड़ में श्रीकृष्ण गौशाला में 1100 गोवंशों को छप्पन भोग का दो दिवसीय आयोजन हुआ। पिछले दो सालों से अनूठे कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। मकर संक्रांति के पर्व पर गोभक्त अपने हाथों से 1100 गोमाताओं के लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का लगाते हैं भोग। बारा में 8वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस झूला मुख्यालय में मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता विधायक राधेश्याम बैरवा ने की। मनोहर थाना में कर्तव्य बोध पखवाड़े के तहत कर्तव्य बोध दिवस आयोजित किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा ने मनाया कर्तव्य बोध दिवस। आदर्श विद्या मंदिर नवीन भवन में हुआ आयोजन। राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर ध्यान योगी ईश्वरानंद उत्तम स्वामी तक पहुंचे, जहां उत्तम स्वामी भक्त मंडल की ओर से और कस्बे वासियों ने उनका पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। झालावाड़ के खानपुर इलाके में मकर संक्रांति पर्व पर स्वयंसेवकों ने प्रमुख मार्गों पर झोलियां फैलाकर गोमाताओं के लिए चंदा एकत्रित किया। मकर संक्रांति पर्व पर धार्मिक आयोजन को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रामगंज मंडी दौरा। गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पहुंचकर मंदिर परिसर में की साफ सफाई। श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर पीएम मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। बारा के चीपाबड़ोद में वन विभाग और पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की संयुक्त कार्रवाई करते हुए पचमेल लकड़ी से भरे दो पिकअप को पकड़ा। राजसमंद के आमेट में गौ माता को नगर भ्रमण कराने के लिए सालों पुरानी परंपरा निभाई गई। संक्रांति के पावन पर्व पर जयसिंह श्याम गौशाला की करीब 500 से ज्यादा गौ माताओं को नगर भ्रमण करवाया गया। मंडलगढ़ में विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने स्टैच्यू सर्कल स्थित शिव मंदिर और सदर बाजार में की साफ सफाई। राजसमंद के आमेट में आधार ई मित्र संचालकों का प्रदर्शन। आधार अपडेट में आ रही समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का भी किया गया गठन। राजसमंद में मकर संक्रांति पर कांकरोली में कुमावत समाज को दो दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रेम पालडिया की मौजूदगी में हुआ। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में धोइंदा के खटामला भाटोली ने वासोल कांकरोली ने भटखेड़ा को शिकस्त की। उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जिला परिषद सभागार में हुई आयोजन बैठक में मंदिरों में दर्शनार्थियों की संभावित भीड़ को लेकर कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विस्तार से की गई चर्चा। सलूबर के कुंड में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला। पीड़ितों के खातों से लिंक डाउनलोड करने पर खाते से 10 लाख से ज्यादा राशि ट्रांसफर। राजसमंद के नाथद्वारा में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा और सामूहिक विवाह का होगा आयोजन। कृष्णा सुदर्शन सेवा संस्थान की ओर से कराया जा रहा आयोजन। राजसमंद के केलवा में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। स्वच्छ केलवा हरित केलवा और स्वामी विवेकानंद युवा मंडल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया आयोजन। राजसमंद कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने साप्ताहिक समीक्षा के लिए बैठक। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा सहित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में ऑटो और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके से गुजर रहे डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप परमार ने घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। डूंगरपुर के देवड़ा थाना क्षेत्र के नरड़िया गांव में 2 युवक में विवाद। युवक ने दूसरे युवक के साथ मारपीट कर होश चबाया। घटना के बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पीड़ित युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर के शास्त्री कॉलोनी मुख्य बाजार में दिनदहाड़े चोरी। दुकान के बाहर खड़ी कार का शीशा फोड़कर पर्स लेकर हुए फरार बदमाश। सूचना पर पहुंची पुलिस। व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। प्रतापगढ़ में अंबिका राजेश्वरी भक्त मंडल की ओर से निकाली गई प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम धुन गाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे। धौलपुर के भूतपूर्व सैनिक दिवस पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सम्मान समारोह विश्राम गृह में हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने समारोह का किया शुभारंभ।
भरतपुर के अटलबन थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, 2 अवैध देशी कट्टे और 315 बोर एक जिंदा कारतूस किया गया बरामद। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के रुंद का पूरा गांव में दो पक्षों में हुआ विवाद। घर के बाहर नाली निकालने को लेकर हुआ विवाद। लाठी डंडों से दूसरे पक्ष के घर में घुसकर महिलाओं पर किया गया हमला। एक गर्भवती महिला के साथ 3 महिलाएं घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले में 15 जनवरी को मनाई जा रही मकर संक्रांति। मंदिरों में देखने को मिल रही खासी रौनक। श्रद्धालु ने मंदिर में दर्शन कर दिए दान पुण्य। धौलपुर के तासमो गांव में सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। भरतपुर के वैर पंचायत समिति की साधारण सभा आयोजित की गई। सभा के मुख्य अतिथि विधायक बहादुर सिंह कोहली रहे। बहादुर सिंह कोहली ने जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। कोहली ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने मोबाइल की दुकान को बनाया निशाना। दुकान में रखे 4 मोबाइल सहित करीब 1.25 लाख रुपए के माल पर किया हादसा। पुलिस की गश्त की गाड़ी पहुंचने से पहले ही चोर हुए फरार। चोरों में विधायक हरलाल सहारण के ने जरूरतमंद को कंबल और साड़ियां वितरित की। मंगतू राम केशवर देवा गड़ोदियर ट्रस्ट की ओर से किए गए वितरण। अगर में 35 वर्षीय युवक की ट्रेन में चपेट में आने से हुई मौत। पुलिस ने शव को रखा जिला अस्पताल मोर्चरी में। अभी तक शव की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी है। फलौदी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस प्रकरण में माड़े में अफीम रखकर झूठा फंसाने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अलवर के विजय मंदिर में साधु की मौत हो गई है। सूचना पर विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर जायजा लिया गया। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलवर सर्दी से बचाव के लिए घर में अलाव जलाना पड़ रहा है। माँ बेटे को ये करना भारी पड़ गया है। माँ अपने 2.5 साल के बेटे को गोद में लेकर आग तपा रही थी। अचानक उसकी साड़ी में आग लग गई। वहीं वो चिल्लाई और बचाव के चक्कर में बच्चा गोद से आग में जा गिरा। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शहर के विभिन्न सड़कों व चौराहों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अग्रवाल ने नगर निगम को आवारा पशु विहीन बनाने और आवारा पशुओं की टैगिंग करने के निर्देश दिए। नुकनपुर में धम्बोला में बाइक सवार बदमाशों ने लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रोली पर पथराव कर दिया। पथराव में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। वहीं पथराव के दौरान ट्रैक्टर ट्रोली पलटने से बच गई। और चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।